सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष अष्टादश अध्याय के पंचम श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जो श्री भगवान उवाच है, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव दत्त यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञदान तप कर्म ये त्यागने योग्य कार्य नहीं है। यज्ञ दान और तप जो हैं, ये तो जो मनीषी हैं उनको भी ये पवित्र करते हैं। सामान्य मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, मनुष्यों को भी ये पवित्र करने वाले हैं, इसीलिए इनका त्याग नहीं होना चाहिए। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो यहाँ पर यज्ञ, यज्ञ क्या है इसको समझना जरूरी है। भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप्यज्ञोऽस्मि, गीता में ही कहा है, यानी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अर्थात जप यज्ञ को इन्होंने श्रेष्ठ बताया। जप अर्थात ईश्वर का उच्चारण करना, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर की महिमा का गुणगान करना, ईश्वर का संकीर्तन करना, तो उन्हीं का, उन्हीं के विषय में श्रवण करना, उन्हीं का भजन करना, उन्हीं का कीर्तन करना, उन्हीं का नामस्मरण करना, उनकी लीलाओं का नामस्मरण करना और उन्हीं के विषय में शोध करना, उन्हीं के द्वारा कहे गए फिलॉसफी को भी समझना, उस पर चर्चा करना, उस पर डिबेट करना, जो भी कर रहे हैं मतलब उन्हीं के संबंधित ही बातें होनी चाहिए। ये फिलॉसफी भी उन्हीं से संबंधित है। तो ये सब सब जो है यज्ञ के तहत आते हैं। स्वाध्याय करना, पूजा अर्चना प्रार्थना उपासना साधना सभी जो हैं यज्ञ के तहत आते हैं। और उसमें भी जो यज्ञ का एक नाम विष्णु भी है, यज्ञ ईश्वर को भी कहते हैं। और जो कर्मकांडी यज्ञ होता है तो वह भी इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन उसका स्तर काफी नीचे रहेगा, क्योंकि उसमें भी मंत्रोच्चार होता है, उसमें विधियां होती हैं, उसमें भी लक्ष्य होते हैं, उसमें भी आश्वासन दिए जाते हैं, ईश्वर को प्रणाम किया जाता है, मनोकामना की जाती है, सबकी कल्याण की कामना की जाती है, तो वह भी एक अर्थ में यज्ञ के तहत आ जाता है, कर्मकांडी यज्ञ भी आ जाता है। यानी आपका खुद का स्तर जैसा है उस हिसाब से यज्ञ होते चले जाएंगे। तो अगर कोई सिद्ध भी हो चुका है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि यज्ञ जो है नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे भी तो संदेश लेंगे, दूसरे भी तो सीखेंगे। सिर्फ अपना मतलब निकल गया वो बात नहीं होती है, क्योंकि सारे अपने ही तो हैं। मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति ज्ञानी हो गए या काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो गए, छुटकारा पा लिए, लेकिन अन्य तो नहीं ना, तो अन्य के लिए भी तो आपको करने हैं, तो अन्य भी तो आप ही से सीखेंगे, तो इसीलिए दूसरों के लिए भी आपको कुछ करने पड़ते हैं। तो इसलिए यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए, मनुष्यों के लिए भी है, विद्वानों के लिए भी है, योगियों के लिए भी है, तपस्वियों के लिए भी है कि वे इसको न छोड़ें। दान सभी के लिए है, हर कोई दान करे। अब इसमें कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, दान में क्या करूँगा, या जो साधु लोग हैं कि भाई हमारे पास कुछ है नहीं, क्या दान करेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है जिससे समाज का भला हो सकता है, समाज की जरूरत है, तुम्हें वह दान करना चाहिए। तुम्हारे पास धन है, दान का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि मैं धन का ही दान करूंगा या हम जो है अन्न का ही दान करेंगे। तो अन्न और मुद्रा का दान तो ये भौतिक दान है, इसको भी आप करें। आपके पास शारीरिक बल है
तो आप उसका भी प्रयोग करें। बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो आप ठीक है आप कहीं सेवा कर दें, शरीर से सेवा कर दें। तो अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। आप किसी को पढ़ा लिखा रहे हैं, वह भी एक सेवा है, वह भी दान है। विद्या दान तो सबसे श्रेष्ठ होता है, तो विद्या का दान कीजिए। आप जिस योग्य हैं, आपके पास जो हुनर है, जो आपने अर्जित किया है, जो हासिल किया है, उसको कीजिए। कुछ ना कुछ तो हासिल किए होंगे, तो जो कुछ भी किए हैं उसी का दान कीजिए। तो आपके पास जिस प्रकार का जो भी सामर्थ्य, और कोई जरूरी नहीं है कि धन का ही सामर्थ्य हो, तो और धन में ही कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही पैसा देना है। आप 100 रुपया भी दान देंगे तो वो भी दान है, 10 रुपया दान देंगे वो भी दान है। उसके पीछे मुख्य मंतव्य क्या होता है कि आप में देने की प्रवृत्ति आए, त्याग की प्रवृत्ति आए। जब देने की प्रवृत्ति आएगी, त्याग की प्रवृत्ति, तो आकर्षण मोह कम हो जाएगा और प्रेम बढ़ेगा। दूसरे के मन में, दिल में जगह आप बनाएंगे, और जो जरूरतमंद है उनको वे चीज़ें मिल जाएंगी। किसी को दवाई के रूप में आप दान दे सकते हैं, किसी को कहीं पहुंचा दिए तो उपचार करा दिए तो वह भी हो गया। तो किसी भी अर्थ में कोई मदद आपने कर दी, वह दान के ही तहत है। रूठे हुए को बना लिया, वह भी दान है। दुखी को हंसा दिया, वह भी दान है। तो ये दान जो है बहुत सूक्ष्म है। जिससे किसी का हित हो जाए, वैसी चीज आप दे देते हैं, तो वह दान है। आपने मनोरंजन कर दिया किसी का, वह भी दान है। नाच दिए, गा दिए, वह भी दान है। तो भगवान ने इसीलिए कहा है कि सभी को दान करना चाहिए। दान का कभी भी दान कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से तप है, तप सदैव करते रहना चाहिए। खुदा तो हो गए, अब तुम सिद्ध हो गए, अब क्या तप करना? नहीं, तप तप को करना है, ठीक है, किसी दूसरे तरह का तप होगा, बस यही होगा। आपने जिस एक प्रकार का तप कर लिया, जिसमें सिद्ध हो गए, तो अब छोड़ कर दूसरे प्रकार का तप कीजिए। समाज की सेवा कर रहे हैं, वह भी तो तप है। तब सिर्फ यही नहीं है कि आप बैठ कर के ध्यान लगा रहे हैं, वही एक तप है। आप किसी को पढ़ा लिखा रहे हैं, वह भी तप है। निष्काम भाव से किसी के कल्याण के लिए जो कुछ भी परिश्रम किया जाता है, वह तप के तहत आता है। तप आपको शक्ति देता है, उस शक्ति से आप किसी का कल्याण कर सकते हैं, वह दान के तहत फिर आ जाएगा। तो तप करने के बाद ही आप में दान की क्षमता आएगी। कुछ बहुत लोग आते हैं हमारे पास जो पैसे वाले लोग हैं, तो उनके मन में ऐसा होता है कि अब क्या पैसे कमाने का मन नहीं कर रहा, बहुत दिन हो गए कमाते कमाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ अपने लिए कमा रहा हूँ, अन्य के लिए भी कमाना है, अन्य भी मेरे परिवार हैं। आपकी क्षमता जिसमें है, उस क्षमता को आप खराब मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। अपनी क्षमता में निखार लाएं, अन्य के लिए भी कमाएं। क्योंकि एक अगर उद्योगपति है, वो कमा रहा है, बुद्धि लगा रहा है, तो कई हजारों परिवार पल रहे हैं उसके कारण। तो वह उस तप को उसको नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर्म को हमें जो हमारे भले के लिए है, समाज के भले के लिए, परिवार के भले के लिए, देश के भले के लिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म और कर्म फल के प्रति निष्काम भावना हो, वह भगवान ने उपदेश दिया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यह त्याग करने योग्य कार्य नहीं है। क्योंकि ये जो है यज्ञ दान और तप, ये क्या करते हैं, ये मनुष्यों को भी, ज्ञानियों को भी, तपस्वियों को भी, भक्तों को भी, सबको ये पवित्र करते हैं, विद्वानों को पवित्र करते हैं।
आप तप करते रहिए, विद्या अध्ययन करते रहिए, साधना करते रहिए, मंत्र योग सिद्ध कर लिए हैं तंत्र योग कीजिए, तंत्र योग सिद्ध किए हैं यंत्र योग कीजिए, यंत्र योग सिद्ध कर लिए हैं कर्म योग कीजिए, कर्म योग सिद्ध कर लिए हैं संन्यास योग, जितने प्रकार के योग हैं राजयोग कीजिए, ज्ञान योग कीजिए, ध्यान योग कीजिए, इतने प्रकार के योग हैं सब सिद्ध करते रहिए। तप मत छोड़िए कभी भी, तप छोड़ने से पतन होता है, तो यह प्रयोग किया जाना चाहिए। यही भगवान का यहाँ पर संदेश है, तप और परिश्रम नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म छोड़ करके भागना जो है वो संन्यास नहीं है, उसके प्रति अनासक्त भाव होना, ये भगवान का आदेश। हरिओम।